जी जी, केजरीवाल सरकार के खिलाफ है। हम केजरीवाल सरकार, ये सांकेतिक हमारा धरना है और दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ और दिल्ली के जो मुस्लिम मुआशरा है उसकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको हमने 6 चीज़ों को हमने रेखांकित किया है और केजरीवाल सरकार से उन 6 चीज़ों की हम मांग कर रहे हैं कि आने वाले सत्र में उन तमाम 6 चीज़ों पर वो बिल लेकर आएँ सदन के अंदर, उनको पास करें और दिल्ली के मुसलमानों को, पहली है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की जायदादों के ऊपर उर्दू स्कूल और यूनिवर्सिटियाँ बनवा कर दें। दिल्ली वक्फ बोर्ड की जायदादों पर जिन गरीब मुसलमान परिवारों के पास पिछले 40 साल से अपने मकान नहीं हैं उन मकान दिल्ली वक्फ बोर्ड की जायदादों पर मुफ्त घर बना कर दे दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार पिछले 4 साल से जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर रखे हैं 990 वक्फ प्रॉपर्टियों को खाली कराने के लिए, उनको तुरंत खाली करवा के दे, क्योंकि 4 साल में इनको जीते हुए हो गए, अभी तक कोई इन्होंने प्रॉपर्टी खाली करा के नहीं दी। दिल्ली में जितनी मस्जिदों के ऊपर कब्जे हैं उन मस्जिदों को खाली करा के सुचारू रूप से चालू कराए, उनमें नमाज पढ़ने की इजाज़त दे। दिल्ली में जितने भी कब्रिस्तान पर नाजायज़ कब्जे हैं, अभी दिल्ली गवर्नमेंट की ही रिपोर्ट आई 407 कब्रिस्तानों के अंदर से 740 कब्रिस्तानों के अंदर से सिर्फ 53 कब्रिस्तान चालू हैं। हम अपने मुर्दों को कहाँ लेके जाएंगे, उनको खाली करा के दें। दिल्ली में जितनी मुस्लिम विधवा औरतें हैं उन तमाम विधवाओं औरतों को दिल्ली वक्फ बोर्ड की जानिब से उसकी इनकम से पेंशन बांध कर दें। और सातवां यह है कि अगर केजरीवाल सरकार अगर ये नहीं कर सकती तो सदन में एक कानून पारित करे और दिल्ली वक्फ बोर्ड की जायदादें दिल्ली मुसलमानों को वापस सौंप दे, हम अपनी परेशानियां खुद हल कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये थी, चलो ऐसे नहीं बात करने की। और अगर केजरीवाल जी हमारी इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो 1 फरवरी से दिल्ली MIM केजरीवाल सरकार के घर के सामने, अरविंद केजरीवाल के घर के सामने आमरण अनशन पर बैठेगी इंशाल्लाह ताला। ऐसे नहीं से बात करने की। बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर।